छत्तीसगढ़ में अब क्रमिक हड़ताल करेंगे सहायक शिक्षक। आज रायपुर जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग जिलों में जारी रहेगा सहायक शिक्षकों की हड़ताल। सहायक शिक्षकों ने खत्म की अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जो है हड़ताल, तो अब क्रमिक हड़ताल करेंगे सहायक शिक्षक। आज रायपुर जिले के सहायक शिक्षक जो है प्रदर्शन करेंगे, तो क्रमिक हड़ताल पर अब प्रदर्शन करेंगे सहायक शिक्षक। अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर अब क्रमिक हड़ताल पर उतरेंगे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जो है क्रमिक हड़ताल पर उतरेंगे सहायक शिक्षक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब क्रमिक हड़ताल करेंगे सहायक शिक्षक, क्या कुछ जानकारी? शिक्षकों के हड़ताल को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। कल सबसे बड़ा जो है प्रदर्शन था उनका, मुख्यमंत्री निवास के लिए सहायक शिक्षक जो है निकले थे, लेकिन तूता स्थित धरना स्थल में बड़ा प्रदर्शन था। तूता स्थल धरना प्रदर्शन भी से जो रैली के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री निवास से घिराव करने के लिए निकले थे, लेकिन कल रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि लगातार प्रदर्शन की जो है अनुमति मांग रहे थे जो है सहायक शिक्षक। बूढ़ा तालाब, राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में अनुमति मांगी, लेकिन उनको अब प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन पहले जो है प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए कि आपको राजधानी रायपुर में नया रायपुर में जो है धरना करने की अनुमति मिली है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच जो है सहायक शिक्षक थे वो प्रदर्शन करने के बाद जो है मुख्यमंत्री निवास से घिराव करने निकले थे, तो उन्हें रास्ते में रोक दिया। वहीं आपको बता दें कि अब जो सहायक शिक्षक है, आज हड़ताल का 7वां दिन है। आज से जो है नए तरीके से हड़ताल करेंगे सहायक शिक्षक। बता दें आपको कि सहायक शिक्षक अब से जो है क्रमिक हड़ताल करेंगे, कलम बंद करके हड़ताल करेंगे, घरों में ही रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, बजट सत्र चालू होने वाला है, जिसको लेकर अब सहायक शिक्षक जो है विधानसभा घेराव करने की एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं, एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार सहायक शिक्षक वेतन विसंगति की मांग कर रहे हैं, फिर लेकिन इनकी मांगें लगातार पूरी नहीं हुई। इस दौरान 7 दिन के भीतर अभी भी कोई भी जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसको लेकर सहायक शिक्षक बड़ी संख्या में जो है जो सिलसिलेवार तरीके से जिले-जिलों में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो है भारी आक्रोशित है, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने नहीं है, जिसको लेकर काफी आक्रोश सहायक शिक्षकों में व्याप्त है। निश्चित तौर पे यह बड़ा रुख ले सकता है। जी बिल्कुल नितिन, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होने के बाद अब क्रमिक हड़ताल पर उतरेंगे सहायक शिक्षक। तो एक तरफ यह हड़ताल और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों का रुख हम आपसे लेते रहेंगे।